अरे हाथ पसारूं हाथ नयावे गठरी माय समाया रा, हाथ पसारूं हाथ नयावे, हाथ पसारूं तो हाथ नहीं आवे, और इतनी सी बड़ी गठरी में समायो है। किसी ने पूछा इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, उत्तर मिला कि धरती। तो बोले यार धरती से ज्यादा तो सागर है, क्योंकि 71% पानी है और 29% पृथ्वी है, तो बड़ा क्या हुआ। तो बोले सागर। बोले नहीं, अगस्त मुनि को गुस्सा आया तो एक ही घुटके में पी गए सारे संसार का पानी, तो बड़ा कौन हुआ। बोले अगस्त मुनि। बोले अगस्त मुनि भी छोटे हैं। एक आसमान में छोटा सा तारा बन के रह गए, अगस्त तारा कहते हैं ना जिसको, आकाश में तारा छोटा सा। तो फिर बोले बड़ा क्या हुआ। तो बोले आकाश। बोले आकाश भी बड़ा नहीं है। बोले फिर। बोले वो वामन अवतार में देखा नहीं, वो छोटा सा बटुक ब्राह्मण आया और तीन पांव में धरती आकाश पाताल सब नाप दिया। तो फिर बोले बड़ा क्या। तो बोले बड़े तो भगवान हुए। बोले काय के भगवान बड़े, छोटे से भक्त के हृदय में आ जाते हैं, इस पोटली में आ जाते हैं। हनुमान ने फाड़ के दिखाया था ना सीना, राम सीता। संत कहते हैं कि हाथ पसारू तो हाथ ना आवे और गठरी माई समायो राम। उस ब्रह्म का विचार कर लो तो राम नाम मिलने वाला है, वरना की जिंदगी भले जय जगदीश हरे भी किया करे तो क्या होना है। कबीर कहते हैं कि एक राम दशरथ घर डोले, दूजा राम घट घट में बोले, तीजा राम का सकल पसारा और चौथा राम वो जग से नियारा। जग में तीन राम व्यवहार है, चौथा राम निज सार, और उसका ही करना है विचार जो चौथा है। अब वो चौथा कौन सा है, इसलिए महापुरुष कहते हैं अरे ब्रह्म का विचार कर लो, ब्रह्म का विचार कर लो, राम नाम मिल जावेगा। ब्रह्म का विचार कर लो, अरे ब्रह्म का विचार कर लो, हे राम नाम मिल जावेगा। ब्रह्म का विचार कर लो, राम नाम मिल जावेगा। ब्रह्म का विचार कर लो, हरी धरती का तो कागज बनाया सात समंदर शाही राम। धरती का तो कागज बनाया, हरी धरती का कागज बनाया सात समंदर शाही राम। धरती का कागज बनाया, अरे बासक नागर कलम बनाई, अरे हर गुण लिखियो न जाई राम। ब्रह्म का विचार कर लो, ब्रह्म का विचार कर लो, राम नाम मिल जावेगा। ब्रह्म का विचार कर लो,
हरि दस दरवाजा फिर कर आया रमता नजर नहीं आया राम दस दरवाजा फिर कर आया इस दुनिया में विज्ञान ने साइंस ने सारी खोज कर ली लेकिन प्राण का स्वरूप कैसा है जीव कैसा है वो आज तक पकड़ नहीं पाया हूं। चंद्रमा पे चले गया होगा मंगल की अनेक ग्रहों की खोज कर ली लेकिन जीव कैसा है उसका आकार कैसा है उसका रंग कैसा है वो दिखता कैसा है शरीर में रहता कहां है जहां कांटा लगे वहीं दर्द होता है रोम रोम में तो प्राण है हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में 5 प्राण कहे गए हैं प्राण अपान समान उदान और व्यान लेकिन 5 नहीं हमारे शरीर में कहते हैं कि 33-36 करोड़ रोम है 72,000 नाड़ियां हैं उन सब में एक एक जगह पर प्राण है और जब सारे इकट्ठे होते हैं तो संत लिखते हैं कि 10 द्वारों में फिर करके मैंने देखा लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो प्राण रूपी सत्ता है वो कहीं नजर ही नहीं आती और जब संत योगियों को नजर में नहीं आई तो आप और हम दुनिया के लोग क्या पकड़ पाएंगे वो कहीं मंदिर में दिखने वाली है कि वो कहीं बाजार में मिलने वाली है कि वो कहीं किताबों में मिलने वाली है कि ये जो लोग जो विज्ञापन करते ये दे देंगे क्या कुछ भी होने वाला है कहते हैं अरे दस दरवाजा फिर कर आया रमता नजर नहीं आया राम दस दरवाजा फिर कर आया अरे सुरता नुरता दोई पणिहारी अरे सूरत गगन ठहराई राम ब्रह्म का विचार कर लो राम नाम मिल जावेगा ब्रह्म का विचार कर लो अरे ब्रह्म का विचार कर लो ब्रह्म का विचार कर लो नाम मिल जाएगा ब्रह्म का विचार कर लो हाथ पसारूं हाथ नयावे कठरी माय समाया राम हाथ पसारूं हाथ नयावे हाथ पसारूं तो हाथ नहीं आवे और इतनी सी बड़ी गठरी में समायो है किसी ने पूछा इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है उत्तर मिला कि धरती तो बोले यार धरती से ज्यादा तो सागर है क्योंकि 71% पानी है और 29% पृथ्वी है तो बड़ा क्या हुआ तो बोले सागर बोले नहीं अगस्त मुनि को गुस्सा आया तो एक ही घुटके में पी गए सारे संसार का पानी तो बड़ा कौन हुआ बोले अगस्त मुनि बोले अगस्त मुनि भी छोटे हैं एक आसमान में छोटा सा तारा बन के रह गए अगस्त तारा कहते हैं ना जिसको आकाश में तारा छोटा सा तो फिर बोले बड़ा क्या हुआ तो बोले आकाश भी बड़ा नहीं है बोले फिर बोले वो वामन अवतार में देखा नहीं
वो छोटा सा बटुक ब्राह्मण आया और तीन पांव में धरती आकाश पाताल सब नाप दिया। तो फिर बोले बड़ा क्या, तो बोले बड़े तो भगवान हुए। बोले काय के भगवान बड़े, छोटे से भक्त के हृदय में आ जाते, इस पोटली में आ जाते। हनुमान ने फाड़ के दिखाया था ना सीना, राम सीता। संत कहते हैं कि हाथ पसारू तो हाथ ना आवे और गठरी माई समायो राम। उस ब्रह्म का विचार कर लो तो राम नाम मिलने वाला है, वरना की जिंदगी भले जय जगदीश हरे भी किया करे तो क्या होना है। मैं हाथ पसारू हाथ नहीं आवे गठरी माई समाया राम, हाथ पसारू हाथ नहीं आवे। अरे पवन से वो कहिए पातला, अरे धूम से घना छीना राम, ब्रह्म का विचार कर लो राम मिल जाएगा, ब्रह्म का विचार कर लो। अरे ब्रह्म का विचार कर लो, मिल जावेगा ब्रह्म का विचार, राम नाम मिल जावेगा ब्रह्म का विचार कर लो। चार चरण जति को रख बोलिया निर्गुण भजन चढ़ाया राम, चार चरण जति को रख बोलिया। हरि चार चरण जति को रख बोलिया निर्गुण भजन चढ़ाया राम, चार चरण जति को रख बोलिया। अरे गुप्त प्रकट का किया निबेड़ा, हर वो जोगेश्वर पूरा राम, ब्रह्म का विचार कर लो राम नाम मिल जाएगा, ब्रह्म का विचार कर लो। अरे ब्रह्म का विचार कर लो, ब्रह्म का विचार कर लो राम नाम मिल जावेगा, ब्रह्म का विचार, राम नाम मिल जावेगा, ब्रह्म का विचार, राम नाम मिल जावेगा, ब्रह्म का विचार, राम नाम मिल जावेगा, ब्रह्म का विचार कर लो।